चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ये ऑफिशियल नोटिस जो 2K20 बैच है यानी 2020 में जिनका एडमिशन हुआ और जो 2020 बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, इस नोटिस में आपको बताया गया है कि आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए डेट आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो दोस्तों उसी से रिलेटेड ये नोटिस है, तो हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि जितने भी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले कॉलेज हैं उनको सूचित किया जाता है कि जो सेशन 2020-21 में नामांकित छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन के माध्यम से भर के और जो समय है ससमय जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा करें। तो दोस्तों, ये मतलब कॉलेज वाले को नोटिस दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारे स्टूडेंट का भर देना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज देना है। तो दोस्तों, यानी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मूल प्रवजन प्रमाण पत्र मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि आपने कॉलेज में माइग्रेशन जमा किया होगा तब, और नहीं किए हैं जमा तो जल्दी से जमा कर दें अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में 10th 12th का फोटो कॉपी अपना सर्टिफिकेट का जमा करना है, अगर नहीं किए हैं तो वो भी कर दें। और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र और एक अलॉटमेंट लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इन कॉलेज में अपने जमा कर देना है ताकि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में है। आप देख सकते हैं http://akuexam.in/akuexam। दोस्तों, ये लिंक है, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा जब कॉलेज का कोई टीचर या कोई HOD जब रजिस्ट्रेशन आपका करेंगे तब, या फिर जब आपको बोला जाएगा कि आपको खुद से करना है तब। दोस्तों, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, यानी लास्ट डेट रखा गया है 7/4/2021, यानी 7 अप्रैल 2021 को आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको नहीं भरना होता है, कोई कॉलेज वाले खुद भर देते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका ओरिजिनल जो भी एड्रेस है वो होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कॉलेज वाले ही कर देंगे। दोस्तों, कॉलेज वाले अलग से एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके आपको डेट वाइज दे देंगे, हर ब्रांच का अलग अलग डेट, और उसी डेट में आपका रजिस्ट्रेशन कॉलेज वाले कर देंगे। तो आप कॉलेज में प्रेजेंट होकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आपके लिए सही होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कई मायनों में मतलब एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट कॉलेज का बन जाते हैं, तो आपको बोनाफाइड वगैरह है, फी स्ट्रक्चर है, ये सब लोन के लिए मतलब बनवा सकते हैं कॉलेज से। उसके बाद में आपका लाइब्रेरी कार्ड है, आईडी कार्ड है, ये सब भी जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप कहीं भी चाहे तो कोई इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये फ़ायदे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के हो जाएंगे। तो जिनको मतलब एडमिशन वगैरह कैंसिल करवाना है तो वो नहीं करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको रेगुलर पढ़ना ही है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा ले, और नहीं करवाएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक डेट दिया गया है यूनिवर्सिटी में जमा करने का, तो आप देख सकते हैं, और जो कोड है कॉलेज का वो 102 से 110 के बीच है, तो उनका 8 अप्रैल को है, और 110 से 111 से 120 के बीच है तो उनका 9 अप्रैल को है, और 121 से 130 है तो उनको 10 अप्रैल को है, 131 से 140 के बीच है तो उनको 12 अप्रैल को है, और 141 से 164 के बीच है उनको 13 अप्रैल को है। यानी दोस्तों, 13 अप्रैल तक आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सबका फाइनल। तो उसके बाद आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज मीड सेम का एग्ज़ाम यानी इंटरनल एग्ज़ाम ले लेगा। दोस्तों, इंटरनल एग्ज़ाम ले लेगा, उसके बाद फॉर्म वगैरह फिलअप होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो आपका मई महीने में एग्ज़ाम श्योर हो जाएगा, आपका अप्रैल लास्ट तक मीड सेम का जो एग्ज़ाम है इंटरनल वो ले लेगा, और यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर देगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन है उसमें फ़ी वगैरह कितना लग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 100 रुपये लगता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1000 रुपये लगता है, और डेवलपमेंट चार्ज है वो 1000 रुपये लगता है। तो टोटल आपको 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लेकर जाना है कॉलेज, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और नहीं लेकर जाते हैं तो आपको नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है वो सारे ब्रांच वाले सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम ही लगता है, 2100 रुपये देना होता है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम होती है, आपका 4 साल का कोर्स है और रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है। इसी रजिस्ट्रेशन से आपका सारा 4 साल के लिए मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म है वो भराते रहेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक कुछ दिन बाद एक रजिस्ट्रेशन का स्लिप मिल जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डाल करके फॉर्म को फिलअप करना होता है, तो वो आपका बाद में होगा, पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ दिन बाद फिर से शेड्यूल आएगा फॉर्म फिलअप करने का और फिर एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आराम से अपना पढ़ाई करें और पढ़ाई में मतलब अब अच्छे से जी जान लगा दो यार, मतलब नहीं पढ़ोगे तो फिर मतलब आपके साथ दिक्कत होने वाली है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा समय तो मिला नहीं, आपका फरवरी में एडमिशन ही हुआ है सबका, तो मार्च अप्रैल वही 1 से 2 महीने का समय मिलेगा और इसी बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2 महीने के अंदर। तो आप ध्यान दें पढ़ाई पे अपने और ये सब के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना।